अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना, वो लड़ रहे मोदी के खिलाफ, सिंगूर बॉर्डर पर मेरे शेरों लगाएंगे नारा, आप तो लगाओ, हिंदुस्तान भारत 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 का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि हमारा किसान जो आपको हमको खाना खिलाता है उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसको मारा जा रहा है, उनके सरों को फोड़ दिया जा रहा है। मैं गुलबर्गा की इस मुबारक सरजमीन से सिंगूर के किसानों को पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। यह आपकी लड़ाई, आपकी लड़ाई नहीं है, हमारे किसान भाई और बहनों हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। और एक बात मालूम हो गई, एक बात मालूम हो गई, याद रखो मेरी इस बात को, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में इतनी बड़ी उनकी मेजॉरिटी है, 300 के करीब उनके एमपी, 300 से ज्यादा है, पार्लियामेंट में सुनने तैयार नहीं है। नहीं, मैं बोल दिया कानून बना दो, मैं वक्त का बादशाह हूं, मेरा फरमान जारी हो गया। याद रखो, अगर इख्तदार के नशे में, गुरूर में डूबकर तुम इस तरह के कानून बनाओगे तो भारत की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय रोड पे निकलने के, सिवाय पुरमन एहतजाज करने के। आप और हमने CAA के खिलाफ एहतजाज किया, सारी दुनिया ने, सारे मुल्क के लोगों ने उसका नो किया, हमने शाहीन बाग किया, मुल्क के कोने कोने में हमारी मां और बहनों ने निकलकर CAA के कानून के खिलाफ आवाज उठाई, दुनिया ने देखा।